हेलो दोस्तों, मेरा नाम जमन और आप देख रहे हैं टेक इज जमन यूट्यूब चैनल। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मेरे साथ हुआ। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो चीज़ आपके साथ हो। अक्सर लोग बिना सोचे समझे कोई भी यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड कर देते हैं और उनको यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में ज़रा सा भी नॉलेज नहीं होता है और उनका चैनल और वीडियो डिलीट कर दिया जाता है। सालों का मेहनत बर्बाद हो जाता है, तब गलती का एहसास होता है कि हमने ये क्या कर दिया। तो दोस्तों, इसी तरह से मुझसे भी एक गलती हुई है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे डैशबोर्ड में। ये हमारा क्रिएटर स्टूडियो का डैशबोर्ड है। तो यहाँ पर मुझे एक ना कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक पड़ा। वो क्यों पड़ा वो आप जान लीजिए थोड़ा सा। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर मुझे एक स्ट्राइक पड़ा, यही 14 जुलाई 2023 को आप देख सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात बताऊँ दोस्तों कि ये स्ट्राइक क्यों पड़ा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेट करता रहे आगे वीडियो बनाने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू वॉच इंडियन टीवी चैनल्स ऑनलाइन। इसमें मुझे कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक पड़ा था। ये बहुत हैरत की बात है। मैंने सिर्फ ये बताया था कि हम अपने मोबाइल में या पीसी में, लैपटॉप में किस तरह से देखें, ये मैंने बताया था, ठीक है। तो मुझे स्ट्राइक पड़ गया। तब मैंने जब बात किया यूट्यूब से तो मुझे बहुत सा चीज़ क्लियर हुआ इस बारे में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो भी टॉपिक पर आप वीडियोस बनाएंगे ना, तो सबसे पहले ये बात आप ख्याल रखिएगा कि वो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ ना हो। सबसे पहली चीज़ कि जो भी टॉपिक में आप वीडियो बनाएंगे, कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आप बना रहे हैं, जैसे आप कोई टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं कि मान लीजिए कोई पेड सर्विस है, जैसे सब्सक्रिप्शन, पेड वाला सब्सक्रिप्शन है, पेड ऐप्स है, या कोई पेड वेबसाइट है, आप उसको बता रहे हैं कैसे फ्री में उसको पाएँ, कैसे फ्री में डाउनलोड करें, कैसे पेड चैनल को फ्री में देखें, तो ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है दोस्तों। जी, ये बात आप याद रखिएगा, ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। और ये जो मैंने वीडियो अपलोड किया, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट यूट्यूब ने इसको खुद किया और वीडियो को उन्होंने रिमूव किया और मुझे एक स्ट्राइक मिल गया। जी दोस्तों, ये कड़वा सच्चाई है कि पहले क्या होता था ना, कि जब भी हम कोई वीडियोज़ अपलोड करते थे और कोई अगर ऑडियंस को वीडियो अच्छा नहीं लगता था, और मान लीजिए वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ अगर वो वीडियो है, तो कोई रिपोर्ट करता था तो 7 दिन या 48 आवर्स ऐसा यूट्यूब के जो एम्प्लॉय उसको टाइम लेते थे, ठीक है, उसको चेक करते थे, तब वो एक्शन लेते थे। लेकिन अब यूट्यूब का एल्गोरिदम इतना मजबूत हो गया है, और ये अच्छा दोस्तों हम यूट्यूबर्स के लिए, हम यूट्यूबर्स खुद चाहते हैं कि यूट्यूब पूरी तरह से सेफ रहे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी टॉपिक में वीडियो बना रहे हैं, याद रखिएगा, अगर कोई पेड वेबसाइट है या पेड ऐप्स है या पेड गेम्स है या कोई भी चीज़ या पेड सब्सक्रिप्शन है, कुछ भी, और आप उसको ट्राई कर रहे हैं फ्री में करने के लिए, कई हाउ टू गेट फ्री, हाउ टू मेक फ्री, तो इस तरह से मत करो दोस्तों, ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। मैं यहाँ पर क्लियर आपको बता रहा हूँ। अच्छे टॉपिक में वीडियो बनाएं, ठीक है, जो आपका कैटेगरी है वो कैटेगरी में वीडियो बनाएं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जब एक स्ट्राइक आता है ना, कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक, तो यहाँ पर आपका अपलोडिंग, पोस्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग वो एक हफ्ता के लिए बंद कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर मेरा, देख रहे हैं ना, 4 दिन बचा, 4 दिन के बाद मेरा अपलोडिंग वगैरह फिर से चालू हो जाएगा, ठीक है, फिर से हम पोस्ट वगैरह हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि वो देखिए सालों का मेहनत, आप दिन दिन भर वीडियो बनाने में टाइम लगाते हो, एडिटिंग करने में लगाते हो, ठीक है, और अगर आप इसी तरह से छोटा मोटा गलती अगर आप करोगे तो आप अपना चैनल खो सकते हैं, आपका वीडियो भी डिलीट हो जाएगा, परमानेंटली चैनल भी डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा ना दोस्तों, इसी पर आएगा कि कम्युनिटी गाइडलाइंस और कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, और इसमें चैनल जो है कब तक टर्मिनेट होता है, इसके बारे में हम फुल वीडियो हम बनाने वाले हैं, ठीक है, वो वीडियो ज़रूर से देखिएगा, इसका पार्ट 2 रहेगा वो।